नाइस प्लेस। हाँ चॉइस अच्छी है तुम्हारी। मुझे क्यों देख रहे हो? अपनी चॉइस को देख रहा हूँ क्योंकि अच्छी है ना मेरी चॉइस। इसमें मजा नहीं आएगा, अभी पानी मंगा लो। पानी पीना है? ओ बेटा दो बियर ला दो। यही है ना अपना पानी। आयशा अपनी आंखें बंद करो ना। क्यों यार? मैं बोल रहा हूँ एक बार प्लीज बंद तो करो। ओके ओके फाइन कर रही हूँ। अभी यार बोलो, आंखें खोलो क्या? हाँ खोलो। ओह माय गॉड ईशा, तुम्हें पता है जब से मैं क्या मैं ये बोल रहा था कि यू नो व्हाट के बोलो जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। ईशा आई ये क्या अनचोत, ये किन्नर अनचोत क्या हुआ? यार ईशा मैं एक मिनट में यार एक बार मैं भी आया यार। क्या हुआ अभी? What the fuck? ओए अभिषेक यार ये क्या है बंदा? हाँ बोल। फैंसोजिल क्या डाला है तूने ग्रुप पे? क्यों नहीं डालूंगी मैं? हाँ तू एक नई लड़की के साथ घूम रहा है, कैफे जा रहा है उसके साथ, तेरी स्टोरी देखी है मैंने। अपनी मर्जी से इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया ना तूने, कर रही ना अपनी मर्जी की, तो अब मैं भी अपने मन की करूंगी, जो मेरा मन करेगा ना वो करूंगी और जो मेरे पास पड़ा है ना वो अपलोड कर दूंगी। अबे तू पागल हो गई है क्या? पूरा कॉलेज ने मेरी गांड देख लिया क्या? अबे गांड तो ब्लर कर देती। अगर ब्लर कर देती तो लोगों को पता कैसे चलता कि अभिषेक की गांड पे कितने तिल हैं? बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा। तेरे पास ना वो फोटो छोड़नी नहीं थी, गलती कर दी, ट्रस्ट कर तेरे ऊपर मैंने। और अभी तो मैं बिजी हूँ, बताता हूँ तुझे। हाँ हाँ चल चल। पागल है यार ये, क्या करूँ? अभी भी बज रहा है फोन, ऊपर ईशा है, मोमेंट स्पॉइल हो जाएगा यार। उसके पास होके आता हूँ एक बार। कहाँ चली गई? कुछ रख के गई है क्या? काफी अंडरस्टैंडिंग है मेरी बंदी, तो आई लव यू का रिप्लाई दिया होगा, प्रपोजल भी तो दिया था मैंने। हाँ कर ले टाइम वेस्ट, अपना तो टाइम वेस्ट करता करता है तू मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है आज ना, इसलिए बुलाया था मैंने तुझे। अबे कुछ और काम नहीं है तेरे को? टाइम वेस्ट कर रहा है और कोई काम है मेरे पास? यही काम है मेरा, गेम खेलना, यही टाइम पास करता हूँ मैं बस। तो भाई गेमिंग करके भी अर्न किया जा सकता है, वो कर लिया कर। ये नया है? मतलब गेम खेल के पैसे कमा लूँ? फिर तो बहुत सारे कमा लूँगा मैं, बता क्या है? भाई बहुत एक्साइटिंग न्यूज लाऊं तेरे लिए, रेडी हो जा अपने गेमिंग लेवल को अप करने के लिए और जीतने के लिए वर्ल्ड इज बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म परी मैच से। अच्छा भाई
परी मैच। और ये भाई ट्रस्टेड ऐप है जिसे टॉप सेलिब्रिटी और मिलियंस ऑफ प्लेयर्स वर्ल्ड वाइज यूज करते हैं। ये यूजर फ्रेंडली, बहुत सारी वैरायटी वाली गेम्स है और बहुत जरूरी चीज, ये सेफ और सिक्योर है। अच्छा, ये तो बहुत सही ऐप है भाई। ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, परी मैच काजल अग्रवाल के साथ प्रिपेयर कर रहा है कुछ स्पेशल हम सभी के लिए। दिवाली धन वर्षा टूर्नामेंट, गोल्ड बार, मनी एंड अमेज़न वाउचर सभी $600 तक के। लेकिन इस पे साइन अप कैसे करना है भाई? तेरे को क्या करना है, साइन अप करना है टूर्नामेंट के लिए, अपनी फेवरेट गेम खेलो और पार्टिसिपेट करो, मिलेंगे रिवॉर्ड्स, क्योंकि परी मैच सेलिब्रेट करता है पार्टिसिपेंट को विनर की तरह। एंड परी मैच पर लोकल पेमेंट ऑप्शंस हैं, फास्टर विड्रॉल फॉर योर विनिंग्स, तो बिल्कुल मिस मत कर। एपिक गेम्स जर्नी को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां जाओ, उसको डाउनलोड कर और ज्वाइन कर दिवाली धन वर्षा टूर्नामेंट विद 3 million rupees प्राइज फंड एंड विन एवरी डे। अभी करता हूँ भाई, बहुत सही चीज है, तो पहले ही बता दिया कर ऐसी चीजें। हाँ, डाउनलोड करियो और गेम्स खेलियो, लेकिन घर जाने के बाद याना जिस चीज़ के लिए तुझे बुलाया ना वो बता, कुछ हेल्प कर। 3 दिन से ना नींद नहीं आई है मेरे को, सोचे जा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। भाई ग्रुप पर अलग बदनामी हो गई है मेरी, तेरे को पता है एक्स जो होती है ना वो ना एक्स बनने के बाद दोष बन जाती है कुंडली में, तो परेशानी देती है। और इसने मेरी इमेज स्पॉइल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, मेरे को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, इसकी इमेज स्पॉइल करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे, कुछ ऑप्शन ही नहीं है भाई, मेरे पास तो कुछ टैलेंट भी नहीं है। काश मेरे पास कुछ ऐसा टैलेंट होता जिसके अंदर मैं नकली MMS तो बना पाता ना, असली नहीं है तो। ओ गंडू, तेरे पास टैलेंट नहीं है पर किसी के पास तो टैलेंट है ना। है एक बंदा, मास्टर इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना है मैंने इसके बारे में। हाँ भाई पहुंच गया, उसे घर के नीचे ही खड़ा हूँ, कितनी देर लगाएगा आने में? बैल ही बजा रहा हूँ भाई, 5 मिनट हो गए नीचे खड़े। अरे भाई थोड़ा दिमाग से, स्लो है वो बंदा। यार स्लो है तो तुझे लग रहा है कि ये स्लो बंदा मेरा काम कर पाएगा? क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छी एडिटिंग चाहिए। AI का नाम सुना है ना तूने? हाँ, प्रॉपर लगे भाई, तुझे समझाया तो था, बेस्ट है वो बंदा, बस थोड़ा सा पागल सा है। क्या मतलब है पागल सा है थोड़ा सा? लेकिन काम में कमी तो नहीं है ना? नहीं मैं काम की बात करूंगा ना, नहीं ऐसे बंदों से डील करना आता है मुझे, मैं भी थोड़ा बकचोद ही हूँ बातों में तो। ठीक है, हाँ आ जाए एक बार वो। हेलो भाई। हाँ मुझे ही भेजा है निकेत ने। हाँ आ जाओ। भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम किचन में? स्टूडियो चलते हैं ना, काम की बात वहीं करते हैं। स्टूडियो नहीं दिखाता मैं किसी को, जो बोलना है यहीं बोलो। ये बना भी पाएगा? मेरे को MMS बनवाना है। हाँ बनाते हैं। अरे पागल है क्या भाई, मेरे को एडिटिंग वाला बनवाना है, जो काम है आपका काम है। आपको अपना MMS बनवाना है? मेरा बनाना है, मेरा बनाना, मैं ही पैसे दूंगा और अपना ही बनवा लूंगा, बना दे। एक बात बता, तेरे को पता भी है AI होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन ऑफ सॉफ्टवेयर और सपोज इज द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन और एनिमल्स। इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी इन कंप्यूटर साइंस दैट डेवलप्स एंड स्टडीज इंटेलिजेंट मशीन्स। They also refer to the machine themselves. और जो फोटो निकाल कर किसी वीडियो पे लगा देते हैं वो वाला AI का प्रोसीजर क्या है भाई? सबसे पहले फोटो को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबाइए, फोटो को क्रॉप कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी फाइल में ले जाइए, वहाँ पे जाके दूसरा हाथ जेब में डालिए और अपना हिलाना स्टार्ट कर दीजिए, इससे माइंड रिलैक्स होता है। उसके बाद फोटो को कंट्रोल छोड़ के आपको एक कमांड देनी पड़ती है। एक मिनट, मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें काम कराना तो बताओ और जो कराना डेटा दो और जाओ यहाँ से। चाय भी ठंडी हो गई भाई। लेकिन तूने सीखा कहाँ पर? एडिटिंग या हिलाना? एडिटिंग, एडिटिंग की बात कर रहा हूँ। वो मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। वैसे हिलाना भी मैंने अपने पापा से सीखा है। एक दिन क्या हुआ, पापा एक वीडियो देख रहे थे, मैंने पूछा पापा ये कौन है, तो कहते कि ये सविता भाभी है। एक सेकंड, डाटा की बात चल रही थी है? तो कब तक बन जाएगा वो MMS?
कल ही कर दूंगा, डाटा दो। हाँ मैं एक काम करता हूँ, तेरे को ना एक कॉन्टैक्ट भेजूंगा, वहाँ से तू उस प्रोफाइल को लियो, पिक्चर निकालनी है तुझे जो तुझे यूज़ करनी है, और जिस कॉन्टैक्ट से मैं हाई भेजूंगा ना उस पर तुझे भेज देनी है। क्लिप तू फोन की उठा लियो। ठीक है, और बाकी पैसों का कैसे करना है, कितना लेते हो भाई आप एक वीडियो के? 15,000 पर मिनट के हिसाब से। 15,000? 15,000? भाई ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू? 3% देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा तू 15,000 कमाता है। पर्सनैलिटी से तो तुम्हारे भी नहीं लगता कि तुम 15,000 दे पाओगे। हाँ ठीक है भाई, तो पेमेंट कैसे रहेगी, ऑनलाइन कैश या जीपे कर दूँ? हाँ जीपे सही रहेगा, आ जाओ। अरे यार तू बात बात पे चैन क्यों खोल लेता है? नहीं मैं तो वो गूगल पे की बात कर रहा हूँ मैं, गूगल पे। नो ऑनलाइन पेमेंट, ओनली कैश। ठीक है भाई कैश ले, लेकिन 10 में हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। एक मिनट में मान गया, लाओ। डाटा भेजो और जाओ। स्टूडियो नहीं दिखाता मैं, तुम डाटा भेजो, कल मिल जाएगी वीडियो। ओके भाई। इसको क्या पता, ये एक कप चाय में भी मान जाता मैं तो। ये उस लड़की को भेजना था, ये रही वो लड़की। लेकिन ये भाई अपना ऐसा क्यों बनवाएंगे? ये क्या वीडियो है? ये कौन है? अभिषेक? हाँ ये क्या कर रहा है? ये लड़की तो कोई फॉरेनर लग रही है। अच्छा ये जरूर गोवा की होगी, सब समझ गई मैं। ये उस टाइम मुझे चीट कर रहा था, रशियन हो गई है, रशियन के साथ मजे ले रहा था। उस टाइम तो हम रिलेशनशिप में भी थे। इसको तो मैं बताती हूँ। इसकी ये क्यों कॉल कर रही है? क्या हो गया भाई, अभी से तमीज आ गई क्या? हेलो, क्या बकवास है, क्या वीडियो है? हाँ क्या क्या भेजा है? क्या क्या? अच्छा तो ये कर रहा था तू मेरे पीठ पीछे, तो पता चल गया मुझे तू ना इतना घटिया आदमी है तू। एक सेकंड मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ। तू ना घटिया आदमी है, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। तू एक काम कर, तू मिल मुझे आज कॉलेज के बाद 4 बजे, और अगर तू नहीं आया ना तो एक तो मेरा इंटरनल भी आज निकलना पड़ेगा। मिल मुझे।
हेलो इसकी भेड़ की। भाई ये क्या हो रहा है? ये मेरे को बनवाना था, उसका मेरा कैसे? अबे क्या चल रहा है? सारा सपना देख रहा हूँ सुबह सुबह। ऑन टाइम हुआ तो कॉलेज के बाहर। ऑन टाइम तो तू होगा ही ना, तेरा एमएमएस जो है मेरे पास है तो बहुत कुछ तेरे पास। मेरा क्या चल रहा है? ये नंगी नंगी फोटो कैसे ग्रुप में वायरल कर ली तू मेरी? तो क्यों नहीं करूंगी, तू इतनी जल्दी मेरे से मूव ऑन कर गया, किसी और लड़की के साथ तू कैफे में बैठ रहा है, उसे प्रपोज कर रहा है और मेरे पास एक नंगी फोटो है तेरी, वो भी वायरल ना करूं? गलत छुड़वा दी तेरे पास वो फोटो। आई ट्रस्ट यू बोल के ना तेरे ट्रस्ट के चक्कर में ना गांड दिखानी पड़ रही है लोगों को आज। ट्रस्ट की बात तो तू कर ही मत, मुझे आज तक लगता था कि तू सिर्फ एक घटिया इंसान है, पर तू तो चीटर भी निकला। वो जो तू अपनी बॉयज ट्रिप पे गोवा गया था है? ये रंगरलियां मचा रहा था तू वहां पे, बहुत मजे लिए ना तूने रशियन के साथ? तो शुक्र हो किसी भले आदमी ने ना वो वीडियो बना ली और मेरे को भेज दी, तो मुझे पता लग गया कि तू कैसा आदमी है। और अब वो एमएमएस ना मेरे पास है। एक मिनट, वो जो तूने गोवा की क्लिप देखी उसमें मैं नहीं हूँ। जो तूने देखा है वो AI है, एडिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भाई वो जो चूतियों ने बना दी है वो मैं तेरी बनवाने के लिए। क्या मेरा क्या? कुछ भी नहीं। हाँ पता है मुझे AI क्या होता है, ठीक है मुझे मत समझा। सॉर्टेड, अब तुझे पता लग गया वो नकली है, तो तू एक काम कर उसको डिलीट कर दे। चल ठीक है मैं चलता हूँ, और आई होप कि तू डिलीट कर देगी क्योंकि ना अपनी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज है, तू उसको ख़राब नहीं करना चाहेगी और अच्छा टाइम स्पेंड किया तेरे साथ। आई लव यू, आई लव यू। अगर वो MMS AI है ना, कैसा भी हो अब वो मेरे पास है और मैं ना अब उसे वायरल करूँगी। तू देखियो, देख मैं ये बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं करेगी तू, ये क्राइम है ये, तू मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा फिर। जा कर ले तू पुलिस कंप्लेंट।